हरियाणा और यूपी के कुछ दलित और जाट नेताओं ने श्री अकाल तख्त साहिब में सिंह साहिब जी से बातचीत करने के लिए जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह से मुलाकात की। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद ने लंबे समय से यूपी और हरियाणा में समाज के लिए काम कर रहे हैं। बेटा हूँ, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। आज हम लोग जो है दरबार से मत्था टेकने के लिए पाजी माड़ा के यार। नाम तो आपको पैदा होने के साथ मिल जाता, लेकिन असली नाम तब होता है जब आप कुछ काम करके दिखाते। तो संतों गुरुओं के आशीर्वाद से, उनके उपदेश से आज भी इस देश में मानवता के भले के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भाईचारे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ईटीवी ना करो। मैं भी दरबार साहिब अरदास करने आया हूँ कि इस देश का जो भाईचारा है वो बना रहे। इस देश में जो कमज़ोर तबके हैं उनके भले के लिए, उनको खड़े करने के लिए जो गुरुओं ने पहले से प्रक्रिया जो है प्रयास किए वो आगे बढ़े। और यहाँ इंसानों को इंसानों जैसा जीवन जो है, जो सिक्किम में का गुण है, जो सिक्किम की पहचान है कि मानव मानव एक समान, वो बना रहे, जो अभी किन्हीं कारणों से नहीं बना पा रहे। तो आज देश के हालात में ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि देश के हालात जो हैं वो बड़े कमज़ोर किए जा रहे हैं षड्यंत्र करके। ऐसे में हमें एकजुट रह के अपने प्रदेश के लिए भाईचारे की एक नई पहल करनी चाहिए, और जो कमज़ोर लोग हैं जिनको अधिकार नहीं मिले उनके अधिकार किस तरह से मिले इसके लिए भी संघर्ष करना चाहिए। उसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ाएं। गुरुओं ने जो कुर्बानियां दी हैं उन कुर्बानियों से हमें सीख लेनी चाहिए किस तरह से जो है एक अच्छे विचार के लिए, एक अच्छे रास्ते के लिए और मानवता के भले के लिए कुर्बानियां सदियों से जो है दी गई और आगे भी देते हम लोग जो है। कौन लोग देश में? ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते देश में भाईचारा बने। और ये सब आरएसएस बीजेपी के लोग, ये वो लोग हैं जो इस देश को बांट के रखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ऊंच नीच की भावना पैदा करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें अपने लोगों को सावधान रखना। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ईसाई धर्म में परिवर्तन जो हो रहा है, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे सिख धर्म, बड़ी संख्या में हो रहा है, तो फिर ये प्रचार कहाँ रह गया? फिर हिंदू राष्ट्र के लिए प्रचार कहाँ रह गया? देखिए, ये सेकुलर मुल्क है, इसमें संविधान है, सभी धर्मों पंथों को अपनी पूजा अर्चना उपासना करने का अधिकार है और उसको आगे बढ़ाने का अधिकार है। एक मुल्क पहले से जो है धार्मिक हुआ था पाकिस्तान के रूप में, उसका हमने इतिहास देख लिया कि उनको कितनी कीमत चुकानी पड़ी। हम अपने देश वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चंद्रशेखर आजाद एक दुनिया खास तौर पर हिंदुस्तान के अंदर बड़ा चंगा नाम है। जिहड़ी यूपी है जिथों हिंदुस्तान की सरकार बनती है, यूपी दे विच इस आजाद नाम के इस नौजवान ने यूपी नूं हिला के रखता, सेंटर हिल चुकया। उहदा कारण की है कि ये दबे कुचलियां की गल करते हैं। गुरु साहिबान ने सानू ये कहा कि इन गरीब सिखन को द्यों पातशाही याद करे हमरी कुले। दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद करने वाला अज भीम आर्मी का जरा सेवादार है वह दरबार साहब आया, साढ़े लिए बड़ा सत्कार है। सिंह साहब के कोल इन्होंने दर्शन किए ने, इन्होंने विचार की सांझ पाई है। मैं एक इंसीडेंट तुम्हें अंदर की दस देना चाहना कि दुनिया के अंदर जिहड़ा सिखी नाल प्यार रखता, मनुखता की गल करता, मानवतकारां की गल करता, तो वह जो भी सिख इतिहास कितने वर्णन होंदा तो वो अखां विच हंझू होंदे आ। अज जदों साहबजादियां की गल चंद्रशेखर याद कर रहा सी, ओहदी अखां विच हंझू फोन तले करो यार, इत्थे फोन आउंदा फोन आउंदा बस दलत दी कोई भी गल आउंदी है क्योंकि गुरु साहिब ने दलतां नूं सत्कार दित्ता, पछड़े नूं सत्कार दित्ता, अज इह साडे कोल आए ने। तख्त साहिब वल्लों वी सत्कार मिलिया, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सेवादार होण दे नाते इन्हां नूं जी आयां कहिंदे आं। फिर तो इन्हां दी अगाईआं नूं सत्कार करदे आं, असीं पूरा आस कर रहे हैं कि ये जिहड़ी लड़ाई लड़ गए
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਬੇ ਪਿਛਲੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਰਾਏ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੂੰਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और जो भी आपके माध्यम से मुझे देखेंगे ये सब तक संदेश चला जाएगा कि हमारी आस्था हमारे गुरुओं में महापुरुषों में। मैं बस यहाँ से पूरे मानव कल्याण के लिए देश दुनिया में जो लोग रहते हैं प्रार्थना करूँगा, अरदास करूँगा कि सब चंडी कला जो है महाराज उनके आशीर्वाद बोलेंगे, सब जो है आगे बढ़े और देश की तरक्की में योगदान करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये दरबार साहिब है, मैं धर्म में राजनीति को मिक्स नहीं करता हूँ। आप कहते हैं कि वायलेशन ना हो, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रही है, और आपके जो प्रदीप बात करो आदित्यनाथ वो सबसे ज्यादा बड़ी देखिए, वो जो सरकार है ना वो आरएसएस के लोगों की सरकार है, और आरएसएस के लोगों ने कभी संविधान को नहीं माना। आरएसएस के लोगों ने हमेशा कमजोर को दबाने का काम किया, उन्होंने देश के संविधान के खिलाफ सारे काम किए। जिनके बंदिशों पर हम बात कर रहे हैं वो भी संविधान के विरुद्ध काम होगा, जो भी संविधान के विरुद्ध काम होगा जो भी करेगा। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा, मैं इस बात को मानता हूँ। वहाँ हिटलर शाही चल रही है, लेकिन ये कुदरत का निजाम प्रकृति परिवर्तन करती है। जब अन्याय बढ़ेगा तभी अच्छे लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।